हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाबा में। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही और ढेर सारी वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी का कुछ बीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। तो मतलब 1 से 7 तक बहुत इंपॉर्टेंट है और 7 से 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 13 तक, मतलब 10 से 13 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा चांस है आ जाएगा। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखें। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हुनरू का जलप्रपात पाठ है। तो इसका कहानी हो जाता है पहला, दूसरा हो जाता है निबंध, तीसरा हो जाता है जीवनी, चौथा हो जाता है यात्रा वृतांत। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और आपको आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, तो सिंगल स्टार का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? एक का है तेज, दूसरा में आलसी, तीसरा है कामचोर और चौथा है मंदबुद्धि। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। दोस्तों, ये डबल स्टार क्वेश्चन है, ये थोड़ा और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए महान मार्ग होना चाहिए, किस पाठ की पंक्ति है? एक ठेस, दूसरा ईदगाह, तीसरा खेमा और चौथा हुनरू का जलप्रपात। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। स्वर्ण रेखा किस राज्य से बहने वाली नदी है? क बिहार, ख झारखंड, ग पंजाब, घ हरियाणा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन पर, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी थी? क 8,000, ख 4,000, ग 10,000, घ 5,000। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल स्टार वाली क्वेश्चन है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, यह भी सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है। समक्ष का अर्थ होता है संपन्न, उत्तम, सामने, आंगन। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सिंगल स्टार का है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई। 7 नंबर डबल स्टार क्वेश्चन है, ये इसको थोड़ा ध्यान दें। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, क है संज्ञा, ख है सर्वनाम, घ है संधि और घ ध है समास। आते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देख लीजिए, वीवीआई डबल स्टार क्वेश्चन है। लोकनायक किन्हें कहा गया है? एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा कर्पूरी ठाकुर और चौथा कोई नहीं। इसमें से किसी एक को टिक मारना है आप लोगों को, जो सही आंसर है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, जो 7 से 10 तक हैं ऑब्जेक्टिव, ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं, डबल स्टार वाले हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर पाठ का लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क है प्रेमचंद्र, ख है रामवृक्ष बेनापुरी, घ है बेढब बनारसी और घ है कोई नहीं। आते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर पे, ये जो आपको बोले थे 10 से 13 के बीच में जो क्वेश्चन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, इस पे ध्यान दें। मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? क 21 वर्ष, ख 20 वर्ष, घ 23 वर्ष और घ 24 वर्ष। अब आते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर जो डबल स्टार है, 11 से 13 तक इंपोर्टेंट है। निम्न में से किसी एक पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। क जन्माष्टमी, ख गणतंत्र दिवस 26 जनवरी यानी, ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घ होली। होली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, एक एक पर किसी एक पर आपको निबंध लिखना है जो आपको इसमें से पूछ सकता है। होली के लिए
और होली जो है इसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये होली पर हमें देख लें, होली पे पूछता है बहुत बार से। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। छात्रावास में स्थान देने के लिए प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला है जैसे आप लोग देख रहे हैं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। दुकानदार एवं ग्राहक के मध्य हुए संवाद को लिखिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार से पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, क्वेश्चन 1 से 10 तक का आंसर दिया हुआ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही और ढेर सारी वीडियो उपलब्ध कराया जाए। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।